बदलता मौसम और तापमान में लगातार उतार चढ़ाव सामान्य तौर पर शरीर के लिए दिक्कतें पैदा करता है। ऐसे में छोटे बच्चों पर तो इसका असर और भी ज्यादा पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों को होती है, जो इस तरह के मौसम का पहली बार सामना कर रहे होते हैं। उनका खास ख्याल रखना जरूरी होता है। अक्सर माता पिता ये समझ नहीं पाते कि ठंड के मौसम में बच्चों को किस तरह के कपड़े पहनाए रखे जाने चाहिए। वे या तो बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं या फिर कई बार सामान्य पतले कपड़ों में ही बच्चों को रहने देते हैं। ये दोनों ही स्थितियां बच्चे के लिए मुश्किल खड़ी कर देती हैं। जन्म के पहले बच्चा माँ के अंदर एक सुरक्षित और आरामदायक कवच में रहता है। 9 महीने तक वो उसकी आदत में शामिल हो जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है बाहर के वातावरण में ढलने की। उसका शरीर धीरे धीरे इस बाहरी वातावरण को अडॉप्ट करता है। इसीलिए जन्म से कम 6 माह तक बच्चों को इस मौसम में सुरक्षित रखना जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं अपने बच्चों को कैसे रखें सर्दियों में सुरक्षित। अचानक बदलता मौसम, ठंडी और रूखी हवा रात में और सुबह अचानक तापमान का गिरना, दिन की तीखी धूप और अचानक बढ़ जाने वाली ठंड, और पिछले कुछ सालों में तो मौसम का ये बदलाव और भी तेजी से हो गया है। आजकल ज्यादातर पेरेंट्स सिंगल फैमिली के रूप में रहते हैं, ऐसे में उन्हें असरदार पारंपरिक नुस्खे बताने वाला भी कोई नहीं होता है। उस पर छोटे से बच्चे और उसकी देखभाल को लेकर पहले ही उसके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना मददगार साबित हो सकता है। ठंड के मौसम में केवल सर्दी जुकाम ही नहीं जो बच्चों को परेशान कर सकता है, इसके अलावा बुखार, उल्टी, स्किन इन्फेक्शन या रैशेज, पेट दर्द, डिहाइड्रेशन, निमोनिया, वायरल इन्फेक्शन और कुछ मामलों में इन्फेक्टेड डेथ सिंड्रोम के शिकार भी बच्चों को होते हैं। इसके अलावा शरीर के टेम्परेचर का एकदम घट जाना यानी हाइपोथर्मिया की स्थिति भी बन सकती है। कई बार बहुत तेज धूप बच्चे को सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान भी दे सकती है। इसके अलावा घर में गर्मी के लिए अपनाए गए आर्टिफिशियल साधन जैसे हीटर या सिगड़ी आदि के ज़्यादा उपयोग से भी तकलीफ हो सकती है। सुरक्षा रखें, लेकिन इतनी नहीं। ठंड से बच्चों का बचाव करने का सबसे आम तरीका होता है ढेर सारे गर्म कपड़े बच्चे को पहनाना। साधारण कपड़ों के ऊपर गर्म या ऊनी कपड़े, टोपी, मोजे और कुछ मामलों में तो डबल मोजे बच्चों को पहना दिए जाते हैं। गर्म कपड़े सर्दियों में बच्चे को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन ज्यादा कपड़े उसके लिए दिक्कत भी पैदा कर सकते हैं। जरूरी ये है कि बच्चे के लिए कपड़ों की सही लेयर के साथ उसकी नियमित पोषक खुराक और मालिश आदि जैसी सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। बच्चे को कड़क और चुभने वाले कपड़ों की जगह नरम कपड़ों की 3 लेयर पहनाएं। इसमें बनियान या समीज जैसा कोई कपड़ा, एक पूरी बाहें का कोई टी शर्ट या ऊपरी कपड़ा और एक सॉफ्ट पजामा, या ज़्यादा ठंड हो तो वार्मर और स्वेटर पहनाएं। दिन में और रात में सोते समय हल्के कपड़े ही पहने रहने दें। स्वेटर और मोजे, टोपी आदि उतार दें, क्योंकि अगर बच्चे को पसीना आएगा तो उसमें ठंडी हवा लगना तकलीफ दे सकता है। कोशिश करें कि बच्चे को मच्छरदानी में ही सुलाएं, इससे मच्छर और ठंड दोनों से उसका बचाव हो सकेगा। जब आप बच्चे को घर से बाहर ले जाएं, तो कार में भी तेज हीटर ना चलाएं। अगर बाहर तेज ठंड है तो बच्चे को स्वेटर, टोपी, मोजे आदि पहनाएं। ठंडी हवा में खासकर बच्चे का सिर, मुंह, नाक और छाती ढकी रहे, ये ध्यान रखें। बच्चों को इस मौसम में ऊनी या सिंथेटिक कपड़ों से एलर्जी भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें और कपड़ों को धोते समय बहुत साबुन का इस्तेमाल ना करें। अब आपको बताते हैं कि जब बच्चे बीमार हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तमाम सावधानियों के बावजूद कई बार बच्चे पर मौसम का असर हो सकता है या किसी और से बच्चे तक संक्रमण आ सकता है। ऐसे में सर्दी जुकाम होने पर भी बच्चे को पर्याप्त मात्रा में लिक्विड देते रहें, इसके लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। माँ का दूध इस समय भी जारी रखा जा सकता है। 6 महीने के बच्चे को तो आप दाल का पानी या मैश किए हुए फल आदि भी दे सकते हैं। अगर कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। हीटर जैसे किसी भी साधन का उपयोग बहुत ज़रूरी होने पर ही करें। बच्चे के सिर सहित पूरे शरीर के हल्के हाथों से की गई मालिश उसकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी सही रखती है। इससे बच्चे को नींद भी अच्छी आती है और उसका पूरा विकास होता है। मालिश के बाद कुछ देर बच्चे को हल्की धूप में ज़रूर लेकर जाएं। इसके बाद साबुन रहित गुनगुने पानी से नहला दें। मालिश के लिए इस मौसम में सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा आप जैतून या बादाम का तेल भी चुन सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो एक नवजात का साल भर में 6 से 10 बार सर्दी जुकाम का शिकार होना आम बात है, इसलिए परेशान न हो, लेकिन हाँ, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और थोड़े सामान्य उपाय भी अपनाएं। केवल कोरोना काल में ही नहीं,
ये बात हर समय ध्यान में रखने की है कि छोटे बच्चों के कमरे में पूरी साफ सफाई हो, उनके कमरे में खाने पीने की चीजें खुली न रखें, उनके सभी कपड़े नियमित रूप से धोएं और अपने हाथ अच्छे से धोकर ही उनके पास जाएं।